आम आदमी पार्टी के वर्करां वालों विधायक बलजिंदर कौर तलवंडी साबो की अगवाई में डिप्टी कमिश्नर एक मंग पत्र दिता गया। उन्हें कहा कि सरकार कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए हर पासे तो फेल हुई है। जदों सरकारां नूं पता सी कि कोरोना की दूजी लहर आनी है तो उन्होंने पुख्ता प्रबंध पहला ही करने चाहिए सन। जो सरकारी खाते विचों वेंटीलेटर आए सन वो निजी हस्पतालों नूं दिते गए। सरकार नूं ये वेंटीलेटर सरकारी हस्पतालों नूं देने चाहिए सन अते ट्रेन्ड स्टाफ की भर्ती करनी जरूरी है तां जो कोरोना पीड़ित अपना इलाज सौखा करवा सकन। दौरा जिहड़ा कि बहुत ज़्यादा भयानक आ, इत्थे तां सरकार नूं इहो जिहड़े बंदोबस्त ने इंतजाम करने चाहिए सीगे कि जदों पिछले साल कोरोना का अटैक जिहड़ा शुरू होया उदों तो लैके सरकार नूं हुण तक जिहड़े पुख्ता इंतजाम कर देने चाहिए सी। कहण दा मतलब हस्पतालों तो लैके बैड के इंतजाम तो लैके और सब तो जिहड़ी वड्डी शॉर्टेज है इस वेले ऑक्सीजन की आ रही आ, ऑक्सीजन नूं लैके हुण तक इंतजाम कर देने चाहिए सी। पर सरकार दा मैनूं लगता कि सेहत हैल्थ बनी या फिर कोरोना महामारी नूं नजिठण दे विच कोई ध्यान ही नहीं आ। और सब तो रेंदी खूंदी कसर सरकार ने उस वेले कढ दित्ती कि जदों मालवा दा सब तो वड्डा हॉस्पिटल जिहड़ा एम्स की जिहड़ा कैंसर दे पेशेंट नूं डील करदा आ इस वेले उहनूं कोविड सेंटर डिकलेयर कर दिता। सो रादर दैन उहनूं कोविड सेंटर डिकलेयर किया, कोविड सेंटर उहनूं बनाया तो सरकार नूं तां इहदे सारे इंतजाम करने चाहिए सीगे, क्योंकि इस वेले जिथे कोरोना दे नाल वड्डी गिणती अज नजिठ रही है पूरे पंजाब की तो उत्थे वड्डी गिणती अज पंजाब की कैंसर दे पेशेंट भी ने। तो अज कैंसर दे पेशेंट नूं एक वड्डी जिहड़ी आ कमी महसूस हो रही है, उन्हों का इलाज उस हॉस्पिटल दे विच नहीं हो रहा। हालांकि सारे हॉस्पिटल्स का पंजाब दे दा जिहड़ा बहुत बुरा हाल आ, इस करके अज असी डीसी साहब नूं मंग पत्र देण आए हैं कि जिथे कोरोना दे जिहड़े आ कोविड नूं लैके जिहड़े सेंटर बनाए जा रहे ने या फिर कुछ अजिहे इंतजाम किए जाण ताकि जिहड़ियां दूसरियां बीमारियां दे नाल लड़ रहे ने लोग, कैंसर वर्गियां बीमारियां दे नाल लड़ रहे ने लोग, तां उहनां दे विच कोई रोक जिहड़ी आ उह ना आवे। बेसिकली जे असी सारा कुछ देखिए तां पिछले एक साल तो 24 मार्च 2020 नूं जिहड़ा है पंजाब दे विच लॉकडाउन लग्गिया सी, इस एक साल दो महीनों के चाहिए तो सरकार को यह कि वह डॉक्टर भर्ती कर दी, स्टाफ नर्स भर्ती कर दे, बाकी टैक्नीशियन रख दे, हॉस्पिटल बनाते, बैड बनाते, वो तो किया नहीं। हुण जिदा कहिंदे ना बूहे आई जन बिनो कुड़ी दे कन्न, करोना की महामारी पूरी तरह फैल गई है, सिर्फ अखां पूंजन वास्ते जिहड़ा इत्थों दा हैगा कैंसर सेंटर हैगा उसनू कोविड दे विच कन्वर्ट किया जा रहा है, जदकि इहनां कोल स्टाफ ही है नहीं। पिछले दिन ही जिहड़ा 29 वेंटीलेटर जिहड़े इन्हां कोल आए जिहड़े कि टैक्स पेयर दे पैसे दे सी, उह जिहड़े वेंटीलेटर लगने तो सरकारी हस्पताल चाहिए सी, उहनू चलाउण वास्ते MD डॉक्टर चाहिए है, टैक्नीशियन चाहिए, यानी कि हैगा अनस्थीसिया दे डॉक्टर चाहिए है, बाकी स्टाफ चाहिए हैगा। डॉक्टर इन्हां दे स्ट्रैस की वजह के नाल हॉस्पिटल छड्ड के जा रहे हैं, स्टाफ इन्हां कोल है नहीं। जेकर उन्हें कैंसर दे सेंटर नूं कन्वर्ट करके कोविड सेंटर बना भी लैणगे, जदों स्टाफ ही नहीं चलाओगे किहदे नाल। और सारे तो वड्डी गल हैगी है कल्ला कोविड ही इन्ना खतरनाक नहीं है, कोविड के नाल नाल जिहड़ा हैगा कैंसर है, शूगर है, हार्ट दी बीमारियां ने वो उस तो भी ज़्यादा खतरनाक है। और इस हॉस्पिटल दे विच कल्ला बठिंडे नहीं, कल्ला मानसा नहीं, इवन राजस्थान तो हरियाणा तो तकरीबन 300 के लगभग पेशेंट डेली आउंदे हैगे सी, 5 तो लैके 10 सर्जरियां डेली होंदियां सी, हुण कित्थे जाणगे। इस करके जिहड़े लोग ने वो बड़े डिप्रैशन च ने। सो साडी इह मंग हैगी है, इत्थे बहुत सारे स्कूल बंद पए हैगे आ, कॉलेजेस बंद पए हैगे आ, ईवन थर्मल कॉलोनी की असी गल करिए उत्थे टाइप 5, 6 ते 7 दियां दर्जना कोठियां जिहड़ियां उह खाली पईआं हैगीआं ने, आरजी तौर पर उन्होंने कोविड सेंटर बनाया जा सकता हैगा और इस नूं जिहड़ा हैगा कैंसर सेंटर ही रहण दिता जाना चाहिए। यह मंग करके असी प्रोफेसर बलजिंदर कौर की अगवाई के असी अज डीसी साहब नूं मिलना है।